नमस्कार साथियों, इस बार काफ़ी आप लोगों के सामने आने में काफ़ी समय लग गया। नया ऑफिस का काम चल रहा था और कुछ व्यवस्थाएं थी, तो काफ़ी लंबा एक गैप हो गया है। हमेशा मेरे वीडियो के ऊपर एपिसोड में संस्कृति, समाज और देश को लेकर के कुछ ना कुछ होता है। आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं, मुख में मीठे बोल हैं, एक अच्छा दोहा है कि मुख में मीठे बोल हैं, हृदय कपट का वास, मानव को अब रहा नहीं सच सुनने का चाव। मतलब आज के दौर में अगर आप सत्य की बात करते हैं, सत्य कहते हैं, तो लोगों को शायद सच सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे कानों को, इस जमाने के कानों को अब झूठी वाई वाई या झूठ या झूठी उनकी तारीफों के पूर्व सुनने की आदत पड़ चुकी है। आप अगर सत्य आप कहते हैं तो आप मान के चलें, इस समाज में, इस देश में आपसे बड़ा शत्रु उस शख्स का कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो कुछ उन लोगों के साथ हुआ, जो कुछ सुनते आए, वो वही उन्हीं संभावनाओं को देखते रहे और उन्हीं की तरफ उनका इशारा होता रहा जो कि उनके अपने वालों ने, उनके यार दोस्तों ने, मित्रों ने या रिश्तेदारों ने उनकी झूठी शान शौकत और तारीफों की पुल बांध करके जो उनके सामने एक धूल का महल खड़ा किया था, उसमें ही अपना जीवन को सत्य समझ रहे थे। अब अगर ऐसे में कोई व्यक्ति आता है और सत्य की बात करता है, सत्य का आईना दिखाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का विरोध खुल करके सामने आता है। एक बहुत ही मानव स्वभाव आज की तारीख में हो चुका है कि हम जब कोई अच्छा करते हैं तो हमें 500 हजार लोगों की भीड़ में शाबाशी और तारीफ सुनने की आदत हमारी है, लेकिन अगर वहीं हम कोई गलती करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी गलतियों का आकलन सामने वाला हमें बंद कमरे में या अकेले बताए। जब तारीफ सुनने के लिए एक जलसे में, एक आयोजन में तैयार रहते हैं, तो फिर अगर हमारे अंदर कमी भी है तो उसे स्वीकार करने में लोगों के बीच में कौन सा गुनाह है। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि सत्य, सत्य को स्वीकार करना हमारे कानों ने भूल चुके हैं, हमारे कानों की इनकी आदत अब रही नहीं है, क्योंकि हम एक खोखली और झूठी शाही जिंदगी में जी रहे हैं। कोई गलत कर रहा है, वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, वो गलत है, लेकिन उसके आसपास का माहौल, क्योंकि वो लोग भी गलत ही कर रहे होंगे, तो ही उसका साथ दे रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसे सही का आईना दिखाते हैं, सही बात करते हैं, तो शायद आप उसके विरोधी होंगे, आपका पक्ष वो कहीं भी रखना पसंद नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जो शख्स सत्य की बात करता है, सत्य का बोध करवाता है, समाज में नितांत अकेला हो जाता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है और कहते हैं, झूठना झूठना फलता है कभी, होता इसका अंत, झूठना फलता है कभी, होता इसका अंत, मरते हैं मानव यहां, सत्य रहे अनंत। यानी कि मान के चलें, सत्य हमेशा जीतता है और सत्य की ही जीत होती है। सत्य को छोड़ करके हम, एक सत्य को छोड़कर एक झूठ को छुपाने के लिए हम कितनी बार झूठ 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 बोलते जाएं, लेकिन एक न एक दिन सत्य अपना रंग दिखाता है और सामने आता है। ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ झूठ किस काम का, जो कि आपकी गलतियों को ढकी ना पाए। हम कितनी सफाई झूठ कह लें, लेकिन सत्य सामने निकल के आता है, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि ये साबित करते हैं कि सत्य को छुपा नहीं सकते और झूठ कभी अपना स्थाई स्थान इस समाज में स्थायी रूप से ला नहीं सकता। हमें सत्य की डगर पर आगे आगे बढ़ना है और सत्य को अगर आपको थामना है तो मान के चलें दोस्तों कि समाज में सबसे पहले आपके अपने वाले ही शत्रु होंगे, दुश्मन होंगे, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए भी अगर जो व्यक्ति सत्य की डगर को और सत्य को थाम के चलेगा और चलता है, अवश्य ही इस जहां में एक निश्चित तौर पर एक जिंदगी का नया आयाम हासिल करता है, नया मुकाम हासिल करता है। सत्य का प्राय कुछ हो नहीं सकता, झूठ के कई सारे पर्याय हो सकते हैं, लेकिन सत्य
एक है और सत्य अनंत है, अमर है। कहते साथियों, आज के समाज के परिवेश में अगर हम किसे कहते हैं कि गलत है, गलत कार्य है, गलत क्रियाएं हैं, तो आपका विरोध होगा। लेकिन उस विरोध को ध्यान रखते हुए सत्य से मुंह मोड़ लेना, ये सबसे बड़ी आपकी स्वयं की कमजोरी भी होगी। आज ऐसे कई विषय हैं हमारे सामने जिसमें हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में, समाज के उन विषयों पर जो कि वर्तमान में एक नारी के लिए, एक पुरुष के लिए, एक बच्चे के लिए और एक कन्या के लिए अत्यंत सुनना आवश्यक है। पेरेंट्स के लिए सुनना, अभिभावक के लिए सुनना अति आवश्यक है। मैं जानता हूं उस एपिसोड के बाद में मेरा विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध की परवाह किए बिना भी हमें और मुझे उस सत्य को समाज के सामने लेके आना होगा और आप लोगों के सामने और आप लोगों के साथ से इस समाज की जो कुरीति फैल रही है इसे हम दूर करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। इसलिए अगली बार आप और हम दोबारा साथ में रहें, मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई दबंगता के साथ, एक नए जुनून के साथ, नए विषय के साथ। जय हिंद।